ये देखो भाई, जो साफ़ सफाई वाले लोग जो थे ना, तो साफ़ सफाई का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पूरा मतलब ये जो रोड है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक, मेरे को लगता है कि मोवा ओवरब्रिज तक जो है ना, ये लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। देखो पूरा कचरा उठा रहे, देखो देख रहे, रिड्यूस प्लास्टिक रिवाइव नेचर। बढ़िया है भाई, ये बढ़िया, ये आंदोलन अच्छा है। से नो टू प्लास्टिक, यस वी आर सेइंग नो टू प्लास्टिक। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी मैं आया हूँ चर्च, आज है संडे, तो चर्च अटेंड करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। देखो तो पिछले संडे को तो मैं नहीं आ पाया था, लेकिन इस संडे मैंने पक्का करके रखा था भाई मैं आऊँगा करके। पिछले संडे बारिश हो रहा था बोल के नहीं घुसा, लेकिन इस संडे तो आया हूँ। अभी अटेंड कर लेता हूँ चर्च, फिर उसके बाद अपन चर्च अटेंड करने का मिलते हैं। उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूंगा। तीन दिन तो हो गया, चार चाहिए ना? इधर से आएंगे तो ठीक है। तो भाई आज का मिस्सा संचालन का जो काम था वो था कापावाड़ की तरफ से। तो मैं पहले कापावाड़ में हुआ करता था, तो मैं भी उसी वार्ड के अंडर पे इस बार जो है ना, अपने चर्च में जो अभी जो बाइबल रीडिंग हुआ था, वहाँ पे अपन क्या जो माला एक चढ़ाते हैं बाइबल रीडिंग के साथ में, तो उस टाइम पे जो बाइबल रीडिंग के लिए जो माला जो था ना, वो माला मैंने कल ख़रीद के अपने वार्ड मेंबर के पास में दे दिया था, और उन्होंने सुबह दे दिया। क्योंकि मेरे को आने में अगर 5-10 मिनट भी लेट हो जाता है तो फिर क्या है, वो बाइबल रीडिंग के टाइम पे एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने पहले से ला के इसको यहाँ पर छोड़ दिया था। तो भाई ये प्रार्थना है, तो हर संडे या कभी भी हो, आप जब ग्रोटों में आते हो ना, कोई भी आए भाई, ये प्रार्थना जो है ना पढ़ सकते हो। तो ये प्रार्थना पढ़ते हैं, मैं भी ये प्रार्थना पढ़ता हूँ। वैसे तो मेरे को तो याद हो चुका है ये प्रार्थना, तो जब भी इस ग्रोटो में प्रेयर करते हैं या फिर कहीं पे भी किसी भी ग्रोटो में चले जाओ, अगर आपको ये प्रेयर याद है तो आप ये प्रेयर जो है ना रीड कर सकते हो। तो ग्रोटो में आने के बाद ना, प्रेयर करने के लिए जैसे किसी किसी को समझ में नहीं आता कि क्या प्रेयर करे, कैसे प्रेयर करे करके, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर प्रार्थना लिखा हुआ है। यहाँ पर लूर्द की माता है, ये माता मरियम का जो मूर्ति है ना, ये लूर्द की माता का मूर्ति है। है तो जीसस की मदर ही है, लेकिन लूर्द में दर्शन दिया था। तो कभी भी कोई भी आता है यहाँ, अगर उनको कोई प्रेयर करना है, जैसे उनको समझ नहीं आ रहा क्या प्रेयर करें, जैसे अदर रिलीजन से भी आता है कोई भी आता है, जैसे हम क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको प्रेयर समझ नहीं आता कि कौन सा प्रेयर यहाँ खड़े होकर करे करे, तो इस प्रेयर को जो है ना वो पढ़ सकता है। उसी के सहूलियत के हिसाब से दोनों साइड में, एक इधर पर और एक उधर पर लिखा हुआ है, दोनों प्रेयर सेम है। बस अभी इस प्रेयर को बस पढ़ना है, और इस प्रेयर को आप किसी भी ग्रोटो में भी पढ़ सकते हो, माता मरियम का कोई भी ग्रोटो जो है ना वहाँ पे पढ़ सकते हैं अपन। तो भाई मिस्सा हो गया खत्म, और अभी मैं जा रहा हूँ प्रिया और मम्मी के लिए नाश्ता लेने के लिए। मेरा नाश्ता तो भाई मैं वहाँ जाके देखूँगा कि नाश्ता करना भी है कि नहीं करके मैं वहीं जाके सोचूँगा भाई, क्योंकि मेरा पेट एकदम ख़राब है, तो मैं ज़बरदस्ती का अपना रिस्क नहीं ले सकता आज के डेट पर। चल अगली बार आऊँगा ना तो बिस्किट लाऊँगा, ठीक है, तेरे लिए बिस्किट लाऊँगा। खेल रहे मस्त, देखो क्यूट लगता है, मालूम है जब डॉगीज एकदम छोटे होते हैं ना बहुत क्यूट लगता है, लेकिन बड़े होने के अंदर बहुत बदमाश हो जाता है। चलो भाई अपन प्रेयर वगैरह कर लिए हैं, अब निकलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं और नाश्ता लेके चलते हैं मम्मी के लिए और प्रिया के लिए। भाई साफ़ सफाई चल रहा है यहाँ पे पूरा, सब जगह पे देखो ये पूरा टीम है, ये लोग जो है ना साफ़ सफाई पे लगे हुए, मतलब ये ग्रुप है
मुझे लगता है कॉलेज ग्रुप होगा ये। तो पूरे ग्रुप है साफ सफाई पे लगा हुआ पूरा लोग। अरे यार गाड़ी लॉक ही नहीं किया मैंने, गाड़ी लॉक करने की। ये पूरा है लोग देखो, पूरा टीम ऐसा साफ सफाई कर रहा है, देख रहे हैं ना। ये नगर निगम के तरफ से है या कोई और टीम के तरफ से ये पता नहीं, लेकिन इन लोगों ने एक इनिशिएट चालू किया है कि भैया सब जगह पे संडे संडे जाके साफ सफाई करेंगे करके, तो वही चल रहा है। ये देखो भाई ये अच्छी बात है मालूम है, साफ सफाई होनी चाहिए और इस तरीके से सबको करनी चाहिए मालूम है। अब खुद का जगह खुद साफ रखोगे तो अच्छी बात है भाई। चलो अपन इंडियन कॉफ़ी हाउस पहुँच गए, अब नाश्ता लेते हैं फिर निकलेंगे घर के लिए। लो भाई अपना ऑर्डर तो कर दिया हूँ, उन लोग पराठा खाएंगे बोला है तो पराठा ऑर्डर हो गया है, और मैं अपने लिए भाई ब्रेड जैम बस, तो ब्रेड जैम से पेट ख़राब ना हो भाई और कुछ नहीं, और साथ में एक कॉफ़ी, पेट बस ख़राब ना हो भाई, पेट ख़राब हो तो हो गया गड़बड़। तो भाई अपने लिए नाश्ता आ चुका है, मेरा नाश्ता ऑमलेट ब्रेड और एक कॉफ़ी, ये इसको खाओ मैं अभी। तो अपना नाश्ता करते हैं अपन अभी। काटे चम्मच से खाना ना सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज़ होता है, मेरे को पोसाता ही नहीं है। टोस्ट मस्त है, ऐसे बना के खाना चाहिए। मैं ना टोस्ट में ना बटर और जाम दोनों मिक्स करके लगाता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बटर के चक्कर में पेट ख़राब ना हो जाए आज मेरा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो भाई मेरा नाश्ता मिल चुका है, नाश्ता ले लिया, चलो चलते हैं घर और इन लोग के पास नाश्ता पहुंचाता है जल्दी से। इस साला चाबी अंदर घुस गया। प्रिया और मम्मी को चाहिए था पराठे तो पराठा ले लिया उन लोगों के लिए, और मैं तो अपना ब्रेड जैम और ऑमलेट खाया हूँ, बाकी तो भाई एक कॉफ़ी पिया। घर में तो प्रिया और मम्मी तो चाय पी लेंगे और पराठा खा लेंगे, तो उनके हिसाब से उनका नाश्ता ले लिया हूँ। अब चलते हैं घर और उन लोग भी नाश्ता अपने टाइम पे करेंगे तो गरम गरम खा सकते हैं, भैया लेट करेंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा। ये देखो भाई जो साफ़ सफाई वाले लोग जो थे ना, तो साफ़ सफाई का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पूरा मतलब ये जो रोड है ना यहाँ से लेके वहाँ तक, मेरे को लगता है कि मोवा ओवरब्रिज तक जो है ना ये लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। देखो पूरा कचरा उठा रहे, देखो देख रहे, रिड्यूस प्लास्टिक रिवाइव नेचर, बढ़िया है भाई ये, बढ़िया ये आंदोलन अच्छा है। से नो टू प्लास्टिक, यस वी आर सेइंग नो टू प्लास्टिक। देखो ग्राहक के पास प्लास्टिक कहाँ से आता है, जब कंपनी बनाती है, ठीक है, कंपनी को प्रोडक्शन ही बंद कर देना चाहिए प्लास्टिक का, उसके जगह पे उसका कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए। अब देखो भाई कुछ चीज़ें आप जो है क्या बोलते हैं कपड़े के इसमें बना के बेच सकते हैं, मतलब जैसे पैकिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर लिक्विड आइटम है तो उसके लिए कुछ और चीज़ें यूज़ करो, मिट्टी के बर्तन यूज़ करो,
है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो पेपर भी, देख भाई सीधे सिंपल से बता रहा हूँ, पेपर के थ्रू अगर करने की कोशिश करेंगे तो पेड़ काटने का जो नौबत आ जाएगा, फिर बोलेगा सेव ट्री, ठीक है। तो पेपर वाला ऑप्शन को हटा ही दो, पेपर प्लेट हो गया, पेपर ग्लास हो गया, ये सब चीज़ों को हटाओ। सीधी सिंपल सी बात है, प्लास्टिक के जगह पे आप यूज़ करो कपड़ा, ठीक है, ताकि वो कपड़े के पॉलीथिन्स हो गया, ये हो गया। और जो फूड आइटम्स होंगे जो पैक किया जा सकता है कपड़े के थैली में, उसको कपड़े के थैली में पैक करो। जो उसमें नहीं पैक किया जा सकता उसके लिए कुछ और ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक को पूरी तरीके से अवॉइड करो। अब देखो भाई इतने सालों से जो प्लास्टिक्स निकले हैं वो एक साथ तो ख़त्म होगा नहीं, उसको रिसाइकल में डालो, उसको रिसाइकल में डालते डालते ख़त्म करो, तब जाके ये काम होगा। बुला बुला स्कूबी को, बुला चिको स्कूबी को बुला, ओदे 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 है स्कूबी, कह रहा है अंदर नहीं घुसना, स्कूबी बता रहा हूँ अंदर प्रवेश नहीं है। चिको खुश है, हाँ स्कूबी का है चिको, अरे तो यार हाँ, वेरी वेरी